तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? ए, पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है, टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिग हुआ है? और कितने वोट रिग हुए हैं क्या पता, इस बूथ को रोकना ही होगा। बड़ा मत यार, यहाँ से निकल लेते हैं, चल ले यार। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, तू जा यहाँ से। ओए क्या कर रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है। आई, वोट रिग हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से, यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओहो, वोट रिग हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ मैं वहाँ भी बात करूंगा। एक वोट के रिग होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बजट पे साइन करो और जाओ यहां से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहां से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नेक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। उस समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ, तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। यह बूथ विशाखा वाणी का है, डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो, फ्लाइट लो और निकल जाओ। एक हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांति से जीऊंगा, बहुत खुश था। दौरा पड़ने लगा फिर इसे, जरा समझाओ इसको। IAS के इंटरव्यू में 3 में से कोई एक ही सिलेक्ट होता है ना जी, शायद ये फेल भी हो सकता है। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होशियार हो। मेंस एग्जाम में 500 में एक पास होता है,
जिसे इसने पास कर लिया है, अब इसके लिए इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है। ए, तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा, नीचे आ जाना बेटा। अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दशरथ, 25 साल का हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी मुझे जीने दीजिए। ए, 5 साल की उम्र से तू यही तो कर रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीचे आना। पापा अब बस भी करो, उड़ के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी, बेकार में चिल्ला के थकिए मत, चलिए अंदर चलते हैं। चलो बेटा। लुक मिस्टर दशरथ, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो, टाइम पर टिकट कैंसिल किया होता तो 1,00,000 रुपए बच जाते, अब उसे मेरे अकाउंट में मत जोड़ देना। अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना। आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? ये अपनी मर्जी से पला बढ़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है, इसे हमारी जरूरत ही क्या है? सुन भाई, अपना पेंट हाउस रेंट पर देगा? कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे, 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत फेंक चुका है, चल अभी। वो बैग भी उठा ले। मुफासा टीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देख के भाग जाने को बोला था, पर मुसफा भी तो भाग सकते थे। सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना। डैडी को देख के 24 दिन हो गए हैं आंटी, फोन भी नहीं किया उन्होंने। डैडी जहाँ गए हैं ना, वहाँ सिग्नल नहीं है, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम डैडी को जितना मिस कर रही हो ना, उतना ही डैडी भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे। इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना तो डैडी आ जाएंगे। मायरा हाय, एनी न्यूज? नो। पुलिस ने क्या कहा? एज यूजुअल, कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। ओह गॉड। तुम्हें हॉस्पिटल से कोई क्लू मिल पाया क्या अभी तक? नथिंग यार, आई लेट यू नो इफ आई फाइंड एनीथिंग। ए मायरा, मायरा। हाँ। तुम्हारे भैया के मिसिंग होने से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं पता नहीं, पर जिस दिन वो गायब हुए थे, कुना नाम का एक गुंडा वरुण के पास कंसल्टेशन के लिए आया था, नर्स ने मुझे बताया। क्या यही लोकतंत्र है? पिछले हफ्ते हुए मतदान में बूथ ओपन हुए 1 घंटे के अंदर ही अपना वोट रिग होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है, एक वोट के चूक जाने से सारी व्यवस्था को दोषी ठहराना ये गलत है। व्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागीर नहीं है, कुछ युवक का यही कहना है। देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अरे आखिर है कहाँ पे न्यूज? हाँ, अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है ये। हाँ बता ना, सच बोल, तूने झगड़ा किया ना? बोल क्यों नहीं रहा? नहीं छोड़ूंगी। अरे दीदी रुको, बता, झूठ बोलने लगा है तू? बोल सच, बता मुझे क्या किया तूने? रुको, स्कूल में झगड़ा किया? क्या जानवरों की तरह मार रही हो, ये क्या बात हुई? क्या हुआ इसी से पूछ लो, क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड्डी टूट गई है और इसने स्कूल में झगड़ा भी किया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है, स्कूल बस वाले ने अभी बताया। क्या इसकी जान लोगी? तेरेज कहीं और नहीं बल्कि माँ बाप के रूप में घर में ही होते हैं। तू बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है उसे। तुम जाओ, मैं जाऊँगा इसके साथ। ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो। एक्सक्यूज मी सर। यस कम इन। यस सर। आपका बेटा है? ये आपके बच्चे हैं? इनकी बुआ हूँ। मैं इसका मामा हूँ। बोलिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई लव यू, इफ यू लव मी सर्कल यस, इफ यू डोंट सर्कल नो। हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है, तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। तो बताइए,
अब मैं क्या करूं? क्या पूछ रहे हो क्या करें? चाटा मारो उसके गाल पे। उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फीलिंग्स मर जाएंगी क्या? शेमलेस थिंग। एक्सक्यूज मी, आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बड़ी हो। ये इस पे सर्कल किसने बनाया? ओहो, तो ये देखकर इसने इसकी नाक फोड़ दी और इसने उसकी नाक फोड़ दी, है ना? पीट को मारने वाला मैं नहीं। What a shame. इसमें शेम फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है। बच्चों की नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद। बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। उन्हें हम जितना प्योरली देखेंगे वो भी उतना ही प्योरली देखेंगे। सुनो आर्या, आंटी को सॉरी बोलकर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। I am sorry. No, wait. पीट, आर्या को तुमने मारा इसलिए तुम सॉरी बोलोगे। एक मिनट, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दौड़ाना चाहिए, वरना हर लड़का हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में। इस तरह सबके सामने पनिश करने की वजह से ही वो ऐसा करते हैं। इन्हें तो लव शब्द का मतलब ही नहीं पता है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। नो नो, आई वोंट एक्सेप्ट दिस सेटलमेंट राइट नाउ। आई एम सस्पेंडिंग दिस बॉय विद इमीडिएट। इट्स ओके सर, आई एम विथड्रॉइंग माय कंप्लेंट। प्रिया, पीट, कम लेट्स गो। ओके सर, आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशंस स्कूल में लेकर मत आइए। थैंक यू सर। चलो आर्या। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज अभी। हाय मायरा। आपको एतराज ना हो तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? श्योर। ओके प्लीज। What do you want to talk? क्यों, तुझे हिंदी नहीं आती? आती है पर उसे पसंद नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किसने सिखाई? मेरे पापा ने। ओह ठीक है। तुम्हारी आंटी क्या करती है और यहाँ और कितने दिन रहेगी? मायरा आंटी ट्रिनिटी कॉलेज की म्यूजिक स्टूडेंट है। डैडी के रिसर्च सेंटर से वापस लौटने तक वो यही रुकेंगी, उसके बाद अमेरिका चली जाएंगी। ओहो, तो परदेसी पंछी है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा पजल सॉल्व करोगी? तुम हो गोरी और यह है देसी गोरा और तुम्हारी बुआ है देसी, तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गए? सिली, इट्स सो सिंपल। मेरी दादी इंडियन है, मेरे दादाजी अमेरिकन है। डैडी दादाजी की तरफ गोरे पैदा हुए और मेरी बुआ दादी की तरह पैदा हुई, और मैं भी मेरे डैडी की तरह गोरी पैदा हुई, और पेटे मम्मी की तरह पैदा हुआ। ओहो, दैट्स ऑल, सो सिंपल। पर मेरी मम्मी मर गई। अरे मेरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी बेटा। हाय, योर नेफ्यू इज अ स्मार्ट बॉय। दे आर सच वेल मैनर्ड किड्स। थैंक यू। आई एम सो सॉरी अबाउट देयर मदर। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। सुना है आप म्यूजिक स्टूडेंट हैं, अगर आपको लोकल म्यूजिक के बारे में स्टडी करना हो या तेलुगु में घूमना हो तो मुझे बताइए, आई विल टेक यू। श्योर, ऑफ कोर्स, वी विल कैच अप। दिस इज माय फियांसेस कॉल, आई नीड टू टेक दिस। आई विल सी यू अराउंड। कम। हाय। Yeah, I'm good. How are you? क्यों आर्या, आंटी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा ना? तुम क्या करते हो पूछ रही थी। तो तुमने क्या बताया? IIT में पढ़कर MIT में सीट पाकर तेलुगुपुरु में बेकार घूमते हो, ऐसा बताया।
पार्टी से अलग होकर आंध्र प्रजा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाव में ही जबरदस्त जीत हासिल करने वाली श्रीमती विशाखा वानी को देश के कोने कोने से प्रांतीय पार्टी का अभिनंदन मिल रहा है। टेलरी में हड़पे पैसों से कार्यकर्ताओं को वोटर्स को खरीद कर जीत हासिल की है। ईवीएम से छेड़खानी की गई है। यहाँ ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा मेजोरिटी से जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट किया विशाखा वाणी ने। श्रीमती विशाखा वाणी जी के बेटे कईकलूरी एमएलए विष्णुवर्धन को गवर्नर रमाकांत जी ने सरकार की तैयारी के लिए चुनौती दी है। तो अभी हमें ये देखना है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। तो अब हम जाएंगे हमारे संवाददाता मिस्टर संजय नायर के पास, जो अभी पार्लियामेंट में उपस्थित है। लोकतंत्र के चार स्तंभ क्या क्या है? सरकार को चुनने का हक जनता का है, मेजॉरिटी रूल्स, चुनी जाने वाली सरकार को जाति